अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो जी, सबसे हम किचन में शिफ्ट हुए हैं, रोज़े स्टार्ट हुए तो अब हम तकरीबन शुरू हुए हैं। तो ये लगा हुआ डिश वाशर और मुझे इसको यूज़ करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बहुत सारे काम थे। तो मैंने ये टाइम मिला भी वैसे में, तो मैंने सोचा कि तब करूँगी जब जो है ना आप लोगों के साथ रिवील कर सकूँ। तो आज ही है, इसकी ओपनिंग करते हैं और इसकी ओपनिंग करते हैं, इसको रिवील करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स ऊपर से तो हुए हुआ है, जाहिर तभी फिट हुआ है। तो अंदर से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये वॉश कैसे करता है और क्या सब कुछ होता है, और आप लोगों को सही वाला रिव्यू देते हैं। तो ये हैं जी हमारे धोने वाले बर्तन, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने डिश वाशर के लिए बचा के रखे हैं, थोड़े बहुत मैंने धो लिए थे। तो डिश वाशर को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास यूज़ बर्तन होने चाहिए, जैसे कि डेली यूज़ में होते हैं। तो वैसे साफ़ बर्तन लगा के तो देख नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने ये बर्तन बचा के रखे हैं, मतलब कि सैरी में नहीं धोए थे। तो मैंने कहा था सुबह धोऊंगी। अब एक तो लाइट पड़ी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लाइट को कैसे सेट करूँ, इधर उधर करके कैमरा सेट करूँ। शायद पीछे मेरे दरवाजे की ज़्यादा लाइट आ रही थी। तो जी, ये हो गई है इसकी ओपनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया है इसका वारंटी कार्ड, इसको ओपन करते हैं। एक स्टिकर सा है और साथ बुकलेट है, और ये पट्टी सी पता नहीं किस चीज़ के लिए थी। और इसके पास सब बताया हुआ है कि आपने डिश वाशर को लोड कैसे करना है, उसे फ़िट कैसे करना है। तो ये फ़िट करने वाला काम तो प्लम्बर ने और इलेक्ट्रिशियन ने मिलकर कर दिया है। और ये फिनिश के साथ उन्होंने एक पाउच सा दिया, इसमें निकली हैं दो टैबलेट्स और एक लिक्विड। और इसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि फिनिश की दो तरह की टैबलेट्स होती हैं। तो जी, अब मैं इसके सारे ये निकाल रही हूँ थर्मोपोल शीट से, जो उन्होंने इसको फ़िक्स किया हुआ था। और नीचे उन्होंने दी हुई टैबलेट डालने की एक आउटलेट, और वो वहाँ से कैमरे ने कैप्चर नहीं किया। तो ये जी दो ट्रेस हैं इसकी। जितने भी डिश वॉशर हैं, मैंने बहुत सौ का रिव्यू देखा और जाके देखा भी, जब मैं ख़रीदने गई थी तो सबके दो दो ही ट्रेस होती हैं और साथ में एक कटलरी बॉक्स होता है। और यहाँ पे मैंने सब बर्तनों को अंघाल रही हूँ, क्योंकि ये लिखा होता है कि हमने इसकी जो है वो ज़र्रे उतारने हैं, लेकिन कैचअप शैचअप अगर लगी हुई है तो उसकी ओके है। तो ये देखिए जी, कटलरी बॉक्स को मैंने निकाल के साइड पे कर दिया है, क्योंकि अगर हम कटलरी बॉक्स को यूज़ करें ना करें, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लेट्स मैं लगा रही हूँ नीचे, जहाँ से मैंने इसको पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था कि आप हैवी बर्तन नीचे लगाएँ और जो है लंबी टंडी वाले ग्लास ऊपर लगाएं, और बाउल कहीं भी लगा सकते हैं, चम्मच ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं ग्लास दोनों जगह लगाऊंगी, कप और ग्लास, क्योंकि दोनों जगह इसके स्टैंड बने हुए हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा इसकी वो बताए हुए थे फीचर्स, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको लोड करने के, सिर्फ ये है कि आपका बर्तन प्रॉपरली अंदर सेट होना चाहिए। तो ये देखें, जैसे कि मैं इसे प्रॉपरली सेट कर रही हूँ, तो जिस तरह उन्होंने रैक बनाया हुआ है इसको फुल लोड हम कर सकते हैं। ये नहीं कि बीच में आपने स्पेस देनी है, तो फिर तो आपके थोड़े से बर्तन आएंगे ना। तो घर के तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, और आज मेरे थोड़े कम ही बर्तन हैं, इससे ज़्यादा भी होते तो वो भी लोड हो जाते। और ये देखें, कटलरी बॉक्स मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि चमचों वाला स्टैंड तो ऊपर बना हुआ है, तो मैं इसमें ही रख रही हूँ, और बड़े वाले चम्मच भी रख रही हूँ, और कप्स को सबको रख रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर जो हल्के हल्के चाय के दाग हैं वो लगे रहने दिए हैं, क्योंकि वो देखने भी है ना कि वो साफ़ होता है कि नहीं। कुछ दही वाले बाउल्स हैं जिनके अंदर हमने सारी में दही खाया था, चाय वाले चलनी है। अब मैंने इसको जहाँ से देखा था कि उन्होंने डॉलर्स का डिशवॉशर 1350 कैसे यूज़ किया था, मैं बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने बताया था इकोनॉमिकल यूज़, तो अब इसको करके देखते हैं कि ये हमारा इकोनॉमिकल यूज़ कैसे रहता है, मतलब कि इकोनॉमी वाले पे उन्होंने इसको चलाया था, हीट वाले पे नहीं चलाया था। तो मैंने कहा इकोनॉमी वाले से इसको टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं तो इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा। और यह टैबलेट मैं इसको खोल रही हूँ, आप यकीन जाने फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था कि अंदर जो है ना वो टैबलेट मुझसे निकालते निकालते थोड़ी सी टूट गई। तो टैबलेट के ऊपर थोड़ा सा कवर था, वो नहीं उतारना था, सिर्फ ये बाहर वाला मोटा कवर उतारना था, अंदर वो एक प्लास्टिक के कवर में होती है, तो मुझे लगा कहीं वो भी उतारने फिर मैंने दोबारा से वीडियो चला के देखी, लेकिन वो कवर नहीं उतारना था। और यहाँ से मुझसे ये वाली गलती हुई है कि इसके जो टैबलेट डालने वाला बॉक्स है वो मैंने नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि कैमरा ऊपर मैंने सेट किया हुआ था और बाद में उसको मैंने नीचे किया ही नहीं। बहरहाल उसके अंदर मैंने लिक्विड डाल दिया और टैबलेट डाल दी, वो मैं भी आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। पहले तो मुझे वो खोलना तो आ रहा था, उसको लॉक नहीं हो रहा था, और यहाँ से वो कैप्चर नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट जाके आपको दिखाऊंगी। और जी, इसको मैंने बंद कर दिया है। अब ये देखें, लाइट इसकी खुद ब खुद ये सब ऑन हुई है, मैंने भी कुछ भी ऑन नहीं किया। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करने लगी हूँ, ये फुली ऑफ था,
इसके ऊपर 70 डिग्री 120 डिग्री आ रहा है और सबसे ऊपर है इको, तो मैंने इको लगा के हाफ लोड की भी ऑप्शन है और फुल लोड की भी, तो मैंने फुल लोड कर दिया तो उसकी ग्रीन लाइट जल गई, दूसरी वाली ग्रीन लाइट जल गई। अब इसने धोना शुरू किया और मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका पानी बंद है क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर से जैसे हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो वो पहले कपड़ों का वेट करती है देन पानी लेना स्टार्ट करती है, तो इसने बर्तनों का वेट किया। इसके अंदर कुछ होगा सिस्टम कि वो चेक करे हाफ लोड है फुल लोड है, तो बाद में जब पानी की आवाज़ नहीं आई तो फिर मैंने ऊपर से पानी खोला तो मैं परेशानी हो गई थी। तो जी पानी मैंने खोल लिया है, अब देखते हैं ये क्या करता है। उतनी देर में जो बाकी एक दो बड़े बर्तन थे वो मैंने अंदर नहीं डाले थे, वैसे इसके अंदर आप देगचा देगची चाय वाले बर्तन डाल सकते हैं सॉस पैन, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो जी बर्तन बाकी के मैंने धो लिए और ये मैंने निकाला है स्क्रब, इससे जल्दी से खुश्क हो जाता है। काफ़ी दिनों से ये मैंने मंगवा के रखा हुआ था लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया था, अपने किचन में मैं तो इसको यूज़ कर रही थी। ये वॉशरूम में भी मैंने मामा को यूज़ करने के लिए दिया, ख़ासतौर पर ये ब्लैक शेल्फ में बहुत अच्छी जो है ना वो स्क्रबिंग क्या ऐसे कहते हैं एब्जॉर्ब करता है पानी को, तो ब्लैक शेल्फ पे इतनी जल्दी दाग पड़ता है ना, थोड़ी देर पानी खड़ा रहे तो वो बाद में खुश कपड़े से भी साफ़ करते रहो तो इतनी जल्दी दाग नहीं उतरता। तो यहाँ पर मैंने ये एब्जॉर्बेंट टिशू कह लें आप इसको, एब्जॉर्बेंट शीट जो है वो ले ली थी और इसने एकदम से पानी जल्दी जल्दी से खुशक कर ली। फिर मैं चली गई बाहर, बार बार मैंने आके देखा और पूरे 2.5 घंटे बाद जाके जी इसका बीप बजी और ये ख़त्म हो गया, इसकी रेड लाइट जल गई जिससे मुझे पता लगा कि जी बर्तन धुल चुके हैं। तो अब हम इसकी करते हैं ओपनिंग सेरेमनी और देखते हैं कि बर्तन हमारे कैसे धुले हैं। सबसे पहले मैंने इसको ऑफ किया और देन अब मैं इसको खोलूँगी, और जब मैंने नताशा वकास का देखा था तो उन्होंने जब इसको खोला था तो अंदर से स्टीम आ रही थी, देन मुझे पता लगा कि उन्होंने स्टीम पे लगाया था तो हमने तो स्टीम पे लगाया नहीं, हमने इसको जस्ट इको फ्रेंडली लगाया था। इको मतलब कि ये बहुत कम खर्च में कैसे पानी पानी और कम खर्च में कैसे बर्तन धोते हैं। तो जी यहाँ पर दो चीज़ों में मुझे मायूसी हुई कि कप बाकी सारे साफ़ थे और दो कप साफ़ नहीं थे, एक में थोड़ी चाय लगी हुई थी और एक में दूध, ये कप जो है ये भी साफ़ था और सारे मैंने उठा उठा के चेक करने हैं। अब ये देखते हैं दही वाली देगची, ये देखें जी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसका दही लगा हुआ था मैंने उतार के नहीं रखा था और यहाँ पे मुझे देख के खुशी हुई है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और अब देखते हैं चमचों को, चम्मच भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है कि अगर आप अपने बर्तनों को स्टीम करना चाहते हैं, ये दूध वाला कप था ये साफ़ नहीं हुआ, इसमें दूध अभी लगा हुआ है, ये कटोरी है दही वाली ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई हैं और इस कटोरी में भी दो स्टैंड लगे हुए हैं, इस पर इमली की चटनी लगी हुई थी। इसका मतलब है कि हमें इसको गर्म पानी वाले ऑप्शन पर डालना चाहिए, गर्म पानी वाले ऑप्शन पर डालेंगे तो बर्तन बाद में ड्राई भी होंगे स्टीम भी होंगे और बहुत अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे। तो जी ये इसका था फुल रिव्यू, आप लोगों को यकीनन पता लग गया होगा। और ये देखें पानी इसने बहुत ही कम यूज़ किया है, जैसे वो कहते हैं सही वो बोल रही थी कि अगर आप कहेंगे इसमें ज़्यादा खर्चा है, इसमें जस्ट टैबलेट का खर्चा है, पानी का और बिजली का बहुत कम खर्चा है, बिजली ये बहुत कम लेता है, अगर आप इन्वर्टर लेंगे तो वो और भी कम लेगा। और उसके बाद ये देखें प्लेट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ग्लास बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ हुआ है। ये देखें ये प्लेट भी बिल्कुल ठीक है और बाहर जो इसका आउटलेट है जहाँ से मैं इसका पानी चेक कर रही थी तो कोई ज़्यादा पानी का खर्चा नहीं है। ये देखें ये दूध वाला ढक्कन था दूध वाले कैन का, ये भी बिल्कुल ठीक साफ़ हुआ है, ये वाली प्लेट्स भी बहुत अच्छे से साफ़ हुई हैं। और क्योंकि हम लोगों के तरफ मीठा पानी आता है तो हमें इसके अंदर साल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये इसकी डब्बी थी जहाँ पर हमने टैबलेट डाली है और साथ वाले में लिक्विड, तब आपको नज़र आ गया होगा। और ये इसकी रबड़ थी मैंने उतारे बगैर इसको धो लिया है। तो ये है जिसका फुल रिव्यू, ये है डॉलेंस का डिश वॉशर 1350 इसका नंबर है और इसको मैंने कर लिया है क्लोज़। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।